हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद कर्ण स्टडी चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है यूलर्स इंटीग्रल। यूलर्स इंटीग्रल में आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। यूलर्स ने हमें दो फंक्शन दिए थे, एक तो बीटा फंक्शन और एक गामा फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इधर देखते हैं हम गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एम कोमा एन से। ठीक है, ये क्या होता है? इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन और 1 - x की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और गामा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा एन से। गामा का ये साइन होता है गामा एन से। गामा एन क्या होता है? इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बीटा फंक्शन, ये हो गया गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन के अंदर हमारे पास होती हैं टोटल तीन प्रॉपर्टीज। इसके अंदर होती है हमारे पास दो प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अंदर हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम। ठीक है, ये क्यों हुआ? इसका मतलब होता है जो जनरल फॉर्म के अंदर लेके जा रहे हैं, इसकी जगह हम एम को एन कर दें और एन को एम कर दें तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन सेम रहेगी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में 1 + x की पावर एम प्लस एन डी एक्स। इसकी क्या होगी? सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर कौन सी होती है? बीटा थर्ड प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं इसकी, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कोस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। ठीक है, ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज होगी। इसकी दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे n हमेशा क्या होना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या होना है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। एन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एन हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर एन जीरो हो तो हमारे पास गामा एन फंक्शन इज इक्वल टू इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है। वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो हम तीनों पाँचों प्रॉपर्टीज़ का हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पाँचों प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बीटा फंक्शन के अंदर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है बीटा एम कोमा एन क्या होता है। बीटा एम कोमा एन इज इक्वल होता है इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन 1 - x की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये हमें अभी पढ़ के आए हैं। इसके अंदर हमें एक सब्सटीट्यूशन करना है। x इज इक्वल टू 1 - y हमने ये इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करना है। तो डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई के इक्वल हो गया। इतने ही तो डिफरेंशिएशन आता ही होगा सबको। डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डी वाई। और यहाँ से हमने जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो जो लिमिट्स होती हैं वो भी चेंज होती है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, लिमिट्स भी यहाँ पे चेंज होगी। तो हम वाई किसके इक्वल आ गया? वाई किसके इक्वल आ गया 1 - x के। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिट्स कैसे चेंज होगी। When x is equal to 0, जब x की वैल्यू क्या हो? 0, x की वैल्यू क्या हो? 0, तो y कितना होगा? y is equal to 1 होगा। When x is equal to 1, जब x की वैल्यू 1 हो तो y कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल इंटीग्रल क्या बन गई? बीटा m कोमा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 1 - y की पावर m माइनस वन। ठीक है, और 1 - 1 + y ये कहाँ से आया? हमने x की वैल्यू ये रख दी, बार माइनस था तो बीच यहाँ पे क्या बन गया? 1 + y। इसकी पावर कितनी है? n - 1 - का dy।
ठीक है, ये क्या हो गया माइनस का डिले। अब हम रफ करके इसे ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने ऊपर लिख लिया है, बीटा एम को मैन इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 0 1 माइनस वाई की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस 1 प्लस वाई की पावर एन माइनस 1 इंटू माइनस डी वाई। जब हम नेगेटिव साइन हटाएंगे तो यहाँ पे जो लिमिट्स है वो इंटरचेंज हो जाएगी। लिमिट इंटरचेंज कैसे होगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चल गई जी। तो इंटीग्रल 0 to 1, जब नेगेटिव का साइन हमने हटाना हो तो यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो जाती है। ये कि हम इसे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस वाई, इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस वाई की पावर एम माइनस वन, और ये क्या रह गया वाई की पावर एन माइनस वन इंटू में क्या रह गया डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बीटा एन कोमा एम। बीटा एन कोमा एम क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह वाई है, बाकी तो सेम वही फॉर्म है जो बीटा फंक्शन की होती है, वाई की पावर एन माइनस वन इंटू वन माइनस वाई की पावर एम माइनस वन इंटू डी वाई। ठीक है, इसका डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या डी वाई, हम कैसे लेके चले थे, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, ये बीटा एन को मैं एम क्यों लिखा, क्योंकि हम वाई की जगह अगर एक्स लूँ तो हमारे पास सेम वही फंक्शन बन जाएगा, एम की जगह क्या है एन है और एन की जगह क्या है हमारे पास एम दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी अब हम प्रूव करने जा रहा हूँ मैं, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, बीटा बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity, इंटीग्रल क्या थी 0 to infinity एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन में 1 plus x की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ये कुछ हमारे को दिया हुआ था उसके अंदर, ये हमारे सेकंड प्रॉपर्टी है। इसे प्रूव करने के लिए सबसे हम पहले हम लेके चलेंगे बीटा एम कोमा एन किसके इक्वल होते हैं, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, इसके अंदर क्या सब्सटीट्यूशन लगानी है, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई, इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं x इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई। तो डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अंदर u अपॉन में v का फॉर्मूला लगेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 plus y की होल स्केयर, सेकेंड इंटीग्रेशन फर्स्ट 1 plus y इंटू में 1 बच गया माइनस फर्स्ट इंटीग्रल, और ये 1 plus y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 ही बच जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे किया मैंने, ये u अपन v का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो dx एक्स किसके इक्वल आ गया, dx एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, यहाँ पे y तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 upon 1 plus y की होल स्क्वायर। मैंने कहा जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है, लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे हम, सबसे पहले जो ये वाले हम लिखे हैं इसे हमें y के फॉर्म में लेके आएंगे, y के फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, एक्स प्लस एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसे, इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई कॉमन ले लूँ 1 minus x, y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 minus x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन, ठीक है जी कुछ ऐसा आ गया। अब हम इसके चेंज करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू कितनी थी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y कितना होता, y इज इक्वल टू भी क्या हमारे पास रह रहा है, y इज इक्वल टू रह रहा है 0 रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, ऊपर 0 आ गया तो ये सारा हमारे पास क्या बन गया 0। अब हम देखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू यहाँ से देखते हैं हम, ये लिमिट्स होती है, x की वैल्यू क्या थी 1 थी, तब y की कितनी आ गई, y इज इक्वल टू क्या रह गया 1 upon 0, 1 upon 0 क्या आता है इन्फिनिटी, 1 upon 0 क्या आता है इन्फिनिटी, यहाँ से हमें लिमिट्स मिल गई। अब हम उसे लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है जी, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट चेंज होगी कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक चलेगी, 0 से इन्फिनिटी, x की जगह हमने लिखना है, x की जगह क्या लिखना है y अपॉन 1 plus y, तो y अपॉन 1 plus y, इस सारे की पावर कितनी थी m माइनस वन, इस सारे की पावर थी m माइनस वन इंटू में 1 minus x, हमारे पास अगला टर्म क्या होती है 1 minus x, तो 1 minus y upon 1 plus y की पावर होती है n माइनस वन। ठीक है, इन में क्या होता है हमारे पास dx, और dx की वैल्यू क्या है 1 upon 1 plus y square, 1 upon 1 plus y की होल स्केयर
इंटू में डी वाई, ठीक है। इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये मैंने ऊपर लिख लिया है। बीटा एम को मैन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वाई अपॉन वन प्लस वाई की पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन वन प्लस वाई की होल स्केयर इंटू डी वाई। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम माइनस वन, अब पावर को स्प्रेड कर रहा हूँ, अपॉन में वन प्लस वाई की पावर एम माइनस वन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर बना दी। इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वन। ये मैंने कैसे लिखा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर क्या बन जाएगा, वन प्लस वाई माइनस वाई, माइनस वाई प्लस वाई और माइनस वाई से कट जाएगा, तो वन अपॉन वन प्लस वाई बचेगा जिसकी पावर हम एन माइनस वन कर देंगे। इंटू में हमारे पास क्या है, वन अपॉन वन प्लस वाई की होल स्केयर, और ये यहाँ पे क्या था, डी वाई। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास क्या है, वाई की पावर एम माइनस वन, नीचे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो वन प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगी, एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन और प्लस में टू इंटू में डी वाई। ये हमारे पास आगे जाके क्या बनेगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन में वन प्लस वाई की पावर क्या बनेगी, एम प्लस एन, ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, इतने बचेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई, ठीक है। अगर मैं y को x से रिप्लेस करूं और dy को dx से रिप्लेस करूं तो मेरे पास क्या बनता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस वन अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, यहाँ पे क्या रहता है, dx, और यही मेरे को प्रूव करना था। तो मेरे पास क्या गया, बीटा m कोमा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस वन अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, और ये यहाँ पे हैंस प्रूव, सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दी। अब बारी आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सिंपल पड़ी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से पाई बाय टू, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू साइन थीटा की पावर टू एम माइनस वन इंटू कोस थीटा की पावर टू एन माइनस वन डी थीटा। इसे प्रूव करने पहले सबसे पहले हम बीटा एम कोमा एन को लेके चलते हैं, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, हम इसके अंदर क्या सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, लेट एक्स इज इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफिनेशन क्या होता है, कोस थीटा, और इंटू में डी थीटा। जब हम कोई भी सब्सिट्यूशन लगाते हैं तो लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ती है, तो लिमिट्स भी हमें चेंज करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन स्केयर थीटा। तो हम वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। एक्स की वैल्यू जीरो है, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, जीरो। साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, थीटा जब जीरो डिग्री हो, ठीक है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन थीटा इज इक्वल टू वन आ गया, ठीक है, वन का हम रूट लेंगे वन ही बचेगा। साइन थीटा की वैल्यू वन कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाय टू पे, थीटा की वैल्यू पाई बाय टू हो तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, ठीक है। अब हम इसे ऊपर लिख लेता हूँ मैं सारी इंटीग्रल को, ये मैंने इंटीग्रेशन को लिख लिया है, ठीक है। हमारे पास लिमिट्स क्या आई थी, जीरो से पाई बाय टू, एक्स की जगह हमने क्या लिखना था, साइन स्केयर थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन स्केयर थीटा की पावर एम माइनस वन। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या होता है, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वन माइनस साइन स्केयर थीटा की पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स की जगह क्या आया था हमारे पास, टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू साइन स्केयर थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा टू एम माइनस वन, यहाँ पे पावर इससे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। वन माइनस साइन स्केयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्केयर थीटा, वन माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्केयर थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोस की पावर टू एम माइनस वन, कोस स्केयर थीटा टू एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू एन माइनस वन, ये लिख दिया। इंटू में हमारे पास क्या है, टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इस टू को मैं यहाँ से रफ करके यहाँ लिख रहा हूँ, बाहर ले जाता हूँ इंटीग्रेशन के, इस टू को मैं यहाँ पे ले गया, इंटीग्रेशन से बाहर ले गया।
अब आगे हम देखने जा रहे हैं इज इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2m-2 आएगा, यहाँ पे 2n-2 आएगा, क्यों? क्योंकि 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2m-2, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इस सारी की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो 2n-2। अब हम आगे करने जा रहे हैं, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2m-2 थीटा और इंटू में साइन थीटा, और हमारे पास क्या है, कोस 2n-2 थीटा इंटू में कोस थीटा डी थीटा, साइन थीटा की पावर में 1 लिख दूँ तो सेम ही रहेगा, कोस थीटा पावर में मैंने 1 लिख दी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2m-2+1। ये मैंने कैसे लिखा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, कोस थीटा की पावर 2n-2+1, बेस सेम तो पावर ऐड डी थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2, ये क्या बचा, साइन 2m-1 थीटा, और ये क्या बचा, कोस 2n-1 डी थीटा, यहाँ पे भी थीटा आएगा, और यही हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी, इसे मैंने प्रूव करना था, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, प्रूव हो गया, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। अब आगे हम गामा फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज मैंने बतानी थी आपको, हम क्या करना चाह रहे हैं, गामा फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज, गामा फंक्शन की हमारे पास कौन सी दो प्रॉपर्टीज थी, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एन गामा एन, पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, दूसरी क्या थी, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, गामा नहीं एन फैक्टोरियल, ये दो प्रॉपर्टीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। गामा फंक्शन याद है ना क्या था, गामा फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या थी, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये इसकी जनरल फॉर्म थी। अब हम पहली प्रॉपर्टी में प्रूव करने जा रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ये यहाँ पे एन की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एन प्लस वन, तो मैं लिख देता हूँ एन प्लस वन, इसकी जगह मैंने एन प्लस वन लिखा, ये तो सेम ही रहेगा, इसकी लिमिट 0 to ∞ एक्स की पावर एन की जगह एन प्लस वन लिखना है, एन प्लस वन, लास्ट में माइनस वन था वो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, ई की पावर माइनस एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो वैसे ही लिखी जाएगी, इंटू में मैंने क्या लिख दिया डी एक्स, इसमें रफ करके ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ, क्या मैंने रफ करके ऊपर लिख लिया है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन ई की पावर माइनस वन माइनस एक्स डी एक्स, इसमें कैसे लिखूंगा, इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। जब एक ही इंटीग्रल के अंदर दो वेरिएबल्स आ जाएं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन का यूवी फॉर्मूला, वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई वन इंटीग्रेशन आई टू, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो एक बार मैं इसे डी एक्स लेके चल रहा हूँ, माइनस इंटीग्रल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, ये आपने पढ़ा होगा प्लस टू क्लास के अंदर, ये अपने अपनी 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन में किसे लेके चल रहा हूँ, x की पावर n को, और e की पावर माइनस एक्स को लेके चल रहा हूँ सेकेंड फंक्शन, हो सकता है आप इसे आईलेट के नाम से भी जानते हो, इस फॉर्मूला को आईलेट का फॉर्मूला भी कहते हैं, तो चलो हम इसे आईलेट के फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। गामा n प्लस वन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या था हमारा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो लिख देता हूँ मैं x की पावर n, ठीक है, इंटू में इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन क्यों आएगा, क्योंकि माइनस एक्स का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। लिमिट्स कहाँ से थी, 0 to ∞ माइनस इंटीग्रेशन, ये सेकंड इंटीग्रेशन 0 to ∞, जो फर्स्ट वाला उसका तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, x की पावर n का डिफ्रेंशन क्या क्या आ गया हमारे पास, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास क्या गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इंटू में सेकेंड जो टर्म है उसका मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, लास्ट में क्या बच गया डी एक्स, ठीक है। इसे हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, एक्स की पावर एन, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं लगाना हमने, इंटू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, लिमिट कहाँ से, 0 to ∞ तक, ये हमारे पास क्या बन गया, इस एन को मैं बाहर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन के, इस एन को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, ये क्या बनता है, 0 to ∞ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स,
इतनी जो टर्म है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारी जनरल फॉर्म नहीं है गामा एन की, गामा एन क्या किसके इक्वल होता है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इस सभी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा एन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो हमारे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इस सारी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, गामा एन लिख देता हूँ। अगेन सॉल्व करते हैं इसे, इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस एक्स जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाए माइनस एन गामा एन, ठीक है। माइनस माइन यहाँ पे एक और माइनस था, ठीक है, ये मैंने अभी नहीं दिया, ये बार चला गया तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये बार माइनस यहाँ पे बार आके प्लस कर देगा, यहाँ पे क्या गया प्लस आ गया। दूसरा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा एल हॉस्पिटल रूल, एक्स एन अपॉन में ई की पावर एक्स जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बचती है, जीरो आ जाती है। इसके अंदर अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एक्स की पावर इन्फिनिटी अपॉन में ई की पावर इन्फिनिटी माइनस एक्स की पावर जीरो अपॉन में ई की पावर जीरो, वो टोटल हमारे पास क्या बचता है, जीरो बचता है, ठीक है, प्लस एन गामा एन। तो हमारे पास क्या आ गया, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी, ठीक है। इसे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। अब हम इसे सेकंड प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं गामा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी, जो हमें क्या कहती है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम गामा की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब तो आपको याद भी होगी इसकी जनरल फॉर्म। अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ एन की जगह वन लिखता हूँ, उसके बाद मैं टू रख के देखूँगा, थ्री रख के देखूँगा, अप टू बस थ्री तक रख के देखेंगे हम, अप टू इन्फिनिटी हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं। सबसे पहले मैं एन की जगह वन रख के देखता हूँ, गामा वन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर, एन की जगह अगर मैं वन लिख दूँ तो वन माइनस वन जीरो हो जाता है, तो एक्स की पावर जीरो इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। एक्स की पावर जीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो वन डॉट ई की पावर माइनस एक्स हमारे पास आ गया। आगे हम कहने जा रहे हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपको जरूरी चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, ई की पावर जीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन होते हैं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी बार हमारी यूज में आ जाती है, जैसे हम यहीं पे देखने वाले हैं, इज इक्वल टू माइनस बार रख लिया मैंने, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो माइनस जीरो माइनस ये वाला आ गया, ठीक है। ई की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गामा वन क्या कितना आ गया, वन। अब हम देखेंगे गामा टू के लिए, गामा टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, गामा वन प्लस वन, ये क्या हमारा एन, तो इसे हम क्या लिखेंगे, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन होता है, ये मैं इसकी पहली प्रॉपर्टी में अभी प्रूव करके आया हूँ, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वन गामा वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया, वन डॉट वन, क्योंकि गामा वन की वैल्यू कितनी थी, वन थी। अब हम थ्री के लिए देख लेते हैं, थ्री इज इक्वल टू गामा टू प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू टू गामा वन, और गामा वन की वैल्यू में अभी देखे हमने टू इंटू वन, ये पीछे हमने अभी प्रूव करके देखा, गामा टू की वैल्यू कितनी आ रही थी, वन फैक्टोरियल, गामा थ्री की वैल्यू कितनी आ रही थी, टू फैक्टोरियल, एंड गामा फोर की वैल्यू आ रही थी, थ्री फैक्टोरियल। तो इसे हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू इस एन का फैक्टोरियल, और यही मेरी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी जो मैंने यहाँ पे अभी प्रूव कर दी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या प्रूव किया, आज हमने बीटा फंक्शन देखा क्या होता है, गामा फंक्शन देखा क्या होता है, उसके बाद बीटा फंक्शन की कितनी प्रॉपर्टी थी, तीन प्रॉपर्टीज प्रूव की, गामा फंक्शन की टू प्रॉपर्टीज प्रूव की, ठीक है। कल हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज भी प्रूव करेंगे, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसकी जनरल इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है। इसलिए जाने से पहले मेरे चैनल लर्न विद कंट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करते अच्छा नहीं लगता, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं, वीडियो कैसे इंप्रूव करना है, आपके कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं, थैंक्स।